सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज नौ, त्रि दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। चार कॉलेजों की 41 छात्राओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुण। पुलिस लाइन मैदान में चल रहे 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। पुलिस अधीक्षक उन्नाव विक्रांत वीर ने इस अवसर पर सभी प्रतिभागी छात्राओं को प्रस्तुत पत्र वितरित करते हुए कहा कि जनपद की सभी छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। इसके लिए समय समय पर इस प्रकार के कैंप आगे भी आयोजित होंगे। प्रशिक्षित होकर छात्राएं न केवल स्वयं की सुरक्षा करने में समक्ष होंगी, अपने आसपास की अन्य महिलाओं एवं बालिकाओं को भी जागरूक बनाएंगी। तक शिविर आयोजन किया गया बच्चों के लिए, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरह बच्चे अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए करेंगे? देखिए, उन्नाव पुलिस की तरफ से हम लोगों ने 3 दिवसीय आत्मरक्षा कोर्स बच्चियों के लिए किया था, जिसमें कि 4 गवर्नमेंट स्कूल से 41 बच्चियों ने प्रतिभाग किया। आज इनका तीसरा और आखिरी दिन था। आज इन्होंने जो 3 दिन इन्होंने टेक्निक सीखी है उसका बड़ा अच्छा डेमो भी दिखाया है और बच्चियाँ कॉन्फिडेंट भी हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। इससे एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है और हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं बच्चियों को कि उन्नाव पुलिस और यूपी पुलिस पूरी तरह से बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है। और साथ ही हम लोगों ने इनको जो हमारे जो टोल फ्री नंबर्स हैं 100112 1090, इन सब के बारे में भी बताया है। साथ ही इनको ये भी कहा है कि आप इसके बारे में आगे भी अपने परिवार वालों को और मित्रों को, संबंधियों को बताएंगे। तो काफ़ी अच्छा मैसेज जा रहा है और अगर जैसा कि जैसा रिस्पांस रहेगा तो हम आगे भी इस तरह के वर्कशॉप करते रहेंगे और बच्चों को ट्रेन करते रहेंगे।